सैमसंग गैलेक्सी ए 54 5G। हाँ गाइस, जैसे कि आप लोग जानते हैं सैमसंग अपना इंडिया के अंदर ए 54 इंडिया के अंदर लेकर आने वाला है, और इसमें हम बात करने वाले हैं इसकी कंफर्म इंडियन लॉन्च डेट के बारे में, मतलब यहाँ पर जो एकदम लीक नहीं है, एकदम कंफर्म है। तो पूरा वीडियो देखिए, जल्दी लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया आज का वीडियो। प्लीज़, यहाँ पर थोड़ा सा ना मेरे लिए मिक्स फीलिंग्स हैं, बिकॉज देखिए एक तो है मुझे बुरा भी लग रहा है, एक तो अच्छा भी है कि आ रहा है। एक तो बुरा इसलिए लग रहा है कि इतने टाइम से वीडियो हम बना रहे थे और अब वीडियो नहीं आएंगे आने वाले समय में कुछ दिनों और बाद, तो ये भी थोड़ा बुरा है, बट आ रहा है, ये भी अच्छी बात है। चलिए बात करते हैं फ़ोन की स्पेसिफिकेशन के बारे में, बाद में बात करें प्राइस एंड लॉन्च डेट के बारे में। तो बिल्ड डिज़ाइन की हम बात करते हैं, बहुत बिल्ड डिज़ाइन प्रीमियम दिया गया है सैमसंग की तरफ से, बहुत अच्छा लुक आपका सैमसंग ने दिया, वन प्लस कह रहा हूँ सैमसंग A54 में। तो बिल्ड डिज़ाइन के मामले में मेरा फेवरेट एसकर्ट बिल्ड डिज़ाइन डिस्प्ले में आपको 6.4 इंच की फुल एचडी मिलती है, सुपर एमोलेड मिलता है, सेंटर पंचिंग मिलती है, 120 फ्रेम रेट भी मिलता है आपको, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी आपको देखने मिल जाता है, तो वो भी बढ़िया बात है। यहाँ पर डिस्प्ले का जो इस्तेमाल किया गया है वो अच्छा किया गया है, अगर कर्व पैनल दे देते तो और अच्छा हो सकता था, क्योंकि आपने प्राइस तो इतना हाई रखा ही हुआ है। मैं चिपसेट की बात करता हूँ तो एक्सिनस का 1380 वाला चिपसेट मिलने वाला है, तो अभी चिपसेट के बारे में मैं इतना बात नहीं करूँगा, बिकॉज ये चिपसेट इस प्राइस में बिल्कुल भी लायक नहीं है या वैल्यू प्रोवाइड नहीं करता है, तो बिल्कुल भी चिपसेट के मामले में मैं इसमें बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ और अच्छी बात नहीं लगी मुझे। कैमराज में आते हैं, चलिए मेन कैमरा आपको 50 पिक्सल का देखने मिलने वाला है, अल्ट्रा वाइड मिल जाएगा, माइक्रो लेंस मिल जाएगा, रियर से 4K कर पाओगे, OIS का सपोर्ट होगा, सेल्फी में 30 पिक्सल की सेल्फी मिल जाती है। तो कैमरा तो भाई डिसेंट लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। अब लेट्स सी क्वालिटी कैसी होती है। बैटरी में अगर हम बात करते हैं तो 5100 mAh की आपको बैटरी मिलने वाली है प्लस टाइप सी, यहाँ पर आपको 25 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग देखने मिलने वाली है, और यहाँ पर आपको अडैप्टर में बॉक्स नहीं मिलने वाला है, ये भी यहाँ पर कन्फर्म हो चुका है। तो मैं क्या कहूँ यार, मतलब 2023 के अंदर भी आप 25 वोल्ट लेकर आते हो, तो मेरे हिसाब से सैमसंग को अपने मतलब ब्रांड के सोचना चाहिए हम ब्रांड है कि नहीं है। UI में एंड्रॉयड 13 आपको आउट द बॉक्स मिलेगा, नहीं आप लोग को यहाँ पर वन UI से रन करने वाला है। ये है पूरा है सैमसंग गैलेक्सी A54 5G। अब देखिए मैंने फ़ोन की बहुत सारी कमियाँ भी बताई हैं, प्रोज भी बता देता हूँ, ऐसा नहीं यार। देखिए प्रोज इस फ़ोन का ये है कि डिस्प्ले डिज़ाइन बहुत प्रीमियम है, डिस्प्ले अच्छा है, देन वन UI जो आपको पता है, ये तीन चीज़ें बहुत अच्छी है फ़ोन की। और कौन सी बात सुन लीजिए, एक तो इसका चिपसेट एक्सिनस का 1380 वाला चिपसेट प्राइस में बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करता, और दूसरा यहाँ पर जो बैटरी दी गई है वो फास्ट चार्जिंग जो दी गई है वो बहुत कम है, और अडैप्टर बॉक्स में ना होना, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो बिल्कुल भी मुझे अच्छा नहीं लगा, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लगा। फाइनली प्राइस की बात करूँगा तो 35,000 रुपये तो मुझे कहीं से भी इसका लाइक नहीं लगा कि इसका प्राइस 35,000 रुपये होना चाहिए, बिकॉज आई थिंक 35,000 रुपये में इससे बेटर स्मार्टफोन आपको मार्केट में मिल जाएगा, और आईफोन मिल जाता है आजकल 35,000 रुपये में, तो बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता मैं। अब मैं फाइनली बात करता हूँ इसकी लॉन्च के बारे में, बिकॉज मुझे पता है बहुत सारे लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो भाई देख लीजिए, ये फाइनल डेट है, इसके बाद ना बढ़ेगा ना कम होगा, 15 मार्च, हाँ 15 मार्च को यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी A54 5G इंडिया के अंदर लॉन्च हो जाएगा, और 18 मार्च को शायद ग्लोबली ये लॉन्च हो। तो ये पूरा आपके सामने रहा, अब बताइए ना कमेंट करके कि लेने वाले हो नहीं लेने वाले हो। मेरे हिसाब से तो भाई बहुत एक्सपेंसिव है ये फ़ोन, अगर आप लोग ना लो तो बेटर रहने वाला, आपका प्राइस आपका जो पैसा है वो वेस्ट हो जाएगा। तो अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो जरूर से लाइक करके जाओ, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि डेली कंटेंट चैनल पर आ रहा है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं यार, अभी तो हम सुबह सुबह वीडियो आप लोग के लिए बना रहे हैं, तो पूरी हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए डेली कम से कम एक वीडियो आए। तो बने रहो चैनल पर यार, और बताना कमेंट करके, और मैं इसको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि मैंने अच्छी बात भी दिखाई इस फोन के बारे में, बुरी बात बता दी है, तो ऐसा नहीं है कि मैं फ़ोन हेट करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं, इसमें मैं रखता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।